हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइनल एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएं और तैयारी करके जाएं। मैं इसे समझा दे रहा हूं और आप इसे अच्छे से याद कर ले और अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ ले। क्या है हमारा आज का टॉपिक? दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, यानी उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव होता है हमारे डेली लाइफ में, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, पहला है हमारा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाता है, इसे हम बोलते हैं संक्षारण। क्या कहने का मतलब है? जैसे कि जब कोई धातु की वस्तु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है या पानी उनी के संपर्क में आता है, तो उसकी जो ऊपरी परत होती है वो कमजोर हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, अगला स्टार पॉइंट क्या है? लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपरी काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, क्या कहता है? लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर क्या हो जाता है? काली परत चढ़ जाता है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाता है, तो ये सब संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? यशद लेपन या विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। क्या कहता है? ये विद्युत लेपन करके या पेंट करके, ठीक है, या ग्रीस लगा करके इस तरह से धातु के ऊपर अगर हम ऑयलिंग कर दे तो वो संक्षारण से बचाया जा सकता है, यानी उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है? विकृत गंधिता। सेकेंड टॉपिक है इसका विकृत गंधिता। क्या है देखिए, इससे समझते हैं। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्या बोलता है? वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री, वसा युक्त यानी कि कोई भी तेल वाला चीज हो, और तेलीय खाद्य सामग्री यानी छना हुआ चीज, भुंजा हुआ चीज, है ना, जो तेल से छना हुआ होता है, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिससे कि वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, यानी महरा जाता है, उसमें नमी युक्त चीज प्रवेश कर जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिससे वो क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध जो है खराब हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता। जैसा कि एग्जाम्पल होता है, चिप्स का थैली देखे होंगे, अगर चिप्स है, लेज, कुरकुरे अगर आप फाड़ करके छोड़ देते हैं तो उसमें वायु घुस जाती है, ठीक है, और वो छना हुआ रहता है तेल में, तो वो क्या होता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है और वो थोड़ा महरा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विकृत गंधिता रोकने के उपाय। अब इसे हम रोकने के उपाय देखते हैं। ठीक है, क्या है? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके यानी उसे ऑक्सीजन से बचाकर, ठीक है, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, जिसमें वायु प्रवेश ना करे वैसे सामग्री में हम अगर वो खाने वाला या तला हुआ चीज या भूंजा हुआ चीज, छना हुआ चीज रख दे तो वो सेफ रहेगा। ठीक है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा अगर उसमें वायु भरा हुआ है तो वहां से वायु को निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देंगे तो वो सेफ रहेगा। चिप्स की थैली में भी नाइट्रोजन की गैस भरी होती है। ठीक है, जितने लेस कुरकुरे होते हैं, सूखे हुए आइटम जो होते हैं खाने वाले, उनमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, शीतलन द्वारा, और क्या बोलता है? ठंडे में रखकर। ठीक है, तो इस तरह से हम विकृत गंधिता और संक्षारण दोनों को समझ गए, इनका बचाव कैसे होता है, रोकथाम कैसे होता है। ठीक है, ये सब हम जान गए। लोहे में जैसे जंग लगता है तो उसके कैसे बचाया जा सकता है, संक्षारण को कैसे बचा सकते हैं, पेंट करके या उस पर ऑयलिंग कर दे, यानी कि तेल वगैरह लगा दे, ग्रीस वगैरह लगा दे तो सेफ रहता है। ठीक है, इसमें तो आप देख लिए वायु की जगह पे क्या भर देना है आपको, नाइट्रोजन गैस। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप इसे अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए।